हेलो दोस्तों, मैं यूसुफ शेख आपके लिए लाया हूँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा सभी का होना बहुत ज़रूरी है। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका लाभ कैसे मिलता है, इसका क्लेम कैसे करते हैं और इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी बहुत लाभदायक होगी दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं मेरे वॉइस के चैनल टेक में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। दोस्तों 12 रुपये में आज क्या आता है, एक चाय मिलेगी या समोसा मिलता है या वड़ा पाव या गन्ने का जूस भी 12 रुपये से ज़्यादा का हो गया है, मगर आपको मिलता है 12 रुपये में 2 लाख का बीमा। आपको अजीब सा लगेगा कि 12 रुपये में 2 लाख का बीमा कैसे मिलता है। दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे, बीमा तो लाखों करोड़ों का भी होता है, पर कम इनकम व्यक्ति जिसकी इनकम ही ना हो वो भी इसमें भाग ले सके, इसलिए इसे सरकार ने शुरू किया है। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, इसके फ़ायदे क्या हैं और क्लेम कैसे करें। सालाना 12 रुपये के प्रीमियम देकर आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा। दोस्तों इसके फ़ायदे जान लें। यदि एक्सीडेंटल के दौरान इंश्योर व्यक्ति की डेथ हो जाती है 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। यदि एक्सीडेंटल के दौरान दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आँख इनमें से किसी का भी नुकसान हो जाता है तो 2 लाख का बीमा मिलता है। दोस्तों यदि एक हाथ, एक पैर, एक आँख का नुकसान होने पर 1 लाख का बीमा, जिसका प्रीमियम है सालाना 12 रुपये। दोस्तों इसमें आप किस उम्र में शामिल हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से 70 साल हो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें शामिल होने व्यक्ति के पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट हो तो भी काफ़ी है। इसे आप बैंक में या बीसी आउटलेट, क्यू सेंटर या ग्राहक सेवा केंद्र सीएससी में जाकर भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों इसका कवर जो है 70 वर्ष तक चलता है यदि एक्सीडेंट केस हो तो। पेमेंट मोड इसमें ऑटो डेबिट है। दोस्तों आप इसे बंद या चालू भी करवा सकते हैं। मेरे अपने जान पहचान वालों से ज़्यादा गुजारिश करूँगा कि आप अपना बीमा करवा लें, आज ही मेरी फुल हेल्प रहेगी आपको। इसी के साथ 2 स्कीमें चलती हैं, एक PMSBY है, दूसरा PMJJBY है। ये दोनों की समानताएं भी हम जान लेते हैं। दोनों बीमा योजनाएं एक PMJJBY और एक PMSBBY, उनके बीच विभिन्न समानताएं हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है, मैं ये देखते हैं। दोनों योजनाएं 1 वर्ष के लिए चलती है, जिसके बाद उनका नवीनीकरण किया जा सकता है। PMJJBY और PMSBY दोनों स्वैच्छिक बीमा योजनाएं हैं। आप चाहें तो इन योजनाओं के तहत शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं। PMJJBY और PMSBY योजनाओं के तहत मृत्यु के लिए कवरेज स्तर 2 लाख रुपए है। दोनों योजनाओं की कवरेज अवधि शुरुआत और एंडिंग 1 जून से 31 मई तक है। PMJJBY और PMSBY दोनों को बीमा कंपनियों के साथ भाग लेने वाले
बैंकों के माध्यम से बेचा जाता है। यदि आपके पास कई बैंक खाते हैं तो आप किसी भी खाते से केवल कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। PMJJBY और PMSBY योजना के तहत प्रीमियम का भुगतान आपके बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से किया जाता है। PMJJBY और PMSBY दोनों योजनाएं तब भी खरीदी जा सकती है जब आपके नाम पर अन्य बीमा योजनाएं हो, जैसे कि प्राइवेट क्षेत्र में। इसके अलावा PMJJBY और PMSBY के बीच अंतर क्या है वो भी जान लेते हैं। हालांकि PMJJBY और PMSBY समानताएं साझा करते हुए कहते हैं कि बीमा की ये योजनाएं समान है। PMJJBY और PMSBY दोनों योजनाएं एक दूसरे से पूरी तरह से अलग है। आइए समझते हैं कैसे। योजना का प्रकार, टाइप ऑफ स्कीम। ये एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। आगे बढ़ते हैं। बीमा की प्रकृति, नेचर ऑफ इंश्योरेंस। ये एक सामान्य बीमा पॉलिसी है। इसके आगे चार नंबर देखेंगे। कवरेज की पेशकश, कवरेज ऑफर। PMSBY योजना आकस्मिक मृत्यु, स्थायी कुल विकलांगता और स्थायी आंशिक विकलांगता को कवर करती है। प्राकृतिक मौतें योजना के दायरे में नहीं आती। इसके बेनिफिट्स, देय लाभ क्या है। PMSBY योजना के तहत देय लाभ बीमा धारक द्वारा सामना की गई आकस्मिक पर निर्भर करता है। आकस्मिक मृत्यु और स्थायी कुल विकलांगता के मामले में 2 लाख की बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। हालांकि स्थायी आंशिक विकलांगता में मामले में देय लाभ 1 लाख होती है। प्रीमियम, इसका प्रीमियम रेट कितना है। PMJJBY योजना की तुलना में PMSBY का प्रीमियम कम है। व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज के लिए प्रीमियम केवल 12 रुपया है PMSBY का। पात्रता, एलिजिबिलिटी। PMSBY योजना के तहत कवरेज 18 से 70 वर्ष की आयु उम्र के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। कवरेज 70 वर्ष की आयु तक भी उपलब्ध है। इसके आगे देखते हैं। दावों की प्रतीक्षा की जा रही है, वेटिंग पीरियड ऑफ फॉर क्लेम्स। PMSBY योजना के तहत कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है। कवरेज 1 दिन से उपलब्ध हो जाता है या है। इसके आगे देखेंगे हम दोस्तों। इसका पीरियड 1 जून से 31 जुलाई तक इसका पीरियड है। कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपका आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी देनी होगी। आप मोबाइल बैंकिंग द्वारा मोबाइल ऐप से भी एनरोल कर सकते हैं। मेरा तो कहना है आप बैंक या BC की कियोस्क सेंटर में जाकर सिंगल पेज फॉर्म भरें, बेहतर है। इसके आगे जान लेते हैं इसके क्लेम के प्रोसेस क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। खुदा न खासा कुछ हो जाए इंश्योर पर्सन को, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी नॉमिनी को। सबसे पहले PMSBY क्लेम फॉर्म जो आप बैंक से ले सकते हैं। यदि डेथ हो जाती है तो इसमें डेथ सर्टिफिकेट और फिर FIR की कॉपी की ज़रूरत होगी। यदि एक्सीडेंटल डेथ के दौरान और यदि डिसेबलमेंट है तो सरकारी हॉस्पिटल से डिसेबलमेंट सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करनी होगी। डेथ केस में अटैच पोस्टमार्टम कॉपी लगानी होगी और डिसेबलमेंट केस में आपको FIR की कॉपी, पंचनामा, जो भी डिसेबलमेंट हुआ है आपके साथ इसकी कॉपी लगानी होगी। हाँ, और साथ ही साथ आपका जो नॉमिनी है इसकी पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक लगाना होगा।
जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर बैंक में जमा करने होंगे। बैंक सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को भेजेगी। इंश्योरेंस कंपनी सारे डॉक्यूमेंट्स सही है या नहीं ये सही का पता लगाएगी और सिर्फ 30 दिनों में आपको क्लेम का बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि एक्सीडेंट हो जाने पर ये डॉक्यूमेंट्स 30 दिनों के अंदर सबमिट कर देना ज़रूरी है, वरना अन्यथा आप एलिजिबल नहीं रहोगे। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसका फॉर्म आप फिल करेंगे। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म, मैंने ये फिल कर रखा है। आप भी इसी तरीके से फिल करेंगे और बैंक में सबमिट करेंगे, या कियोस्क में अकाउंट है आपका तो कियोस्क में ग्राहक सेवा केंद्र में भी सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा देखो दोस्तों, देखो यहाँ एजेंसी या बीसी कोड लिखा है, कियोस्क आईडी, ग्राहक सेवा केंद्र, और अपनी आईडी लिखेंगे। आप अपना यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, पूरा अकाउंट नंबर आपको यहाँ फिल करना है। इसी तरीके से नीचे आप देखेंगे दोस्तों, आप नेम इन फुल, मैंने अपना यहाँ फुल नाम लिख रखा है, आप भी इसी तरीके से पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ एड्रेस है, आप रूम नंबर, शॉल नंबर, बिल्डिंग नंबर्स, गली, नियरेस्ट लैंडमार्क, एरिया, स्टेशन नज़दीक, मैंने अपना एड्रेस लिख रखा है। इसी तरीके से आप भी अपना पूरा फुल एड्रेस यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा नीचे दोस्तों देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे। इसके नीचे आपकी मेल आईडी हो तो आप यहाँ अपनी मेल आईडी मेंशन करेंगे, जिस तरीके से मैंने भी लिख रखी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ देखेंगे आप मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आप मोबाइल नंबर अपना यहाँ लिखेंगे। यहाँ आप अपना पूरा आधार नंबर लिखेंगे, 12 संख्याओं का आधार नंबर होता है, वो यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ देखेंगे वेदर सर्फिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी इफ़ यस डिटेल्स देर, जैसे कि किसी को विकलांगता है या विकलांग है कोई, तो वो अपना एक कॉलम भरेंगे। ये सिर्फ विकलांग लोगों के लिए ये कॉलम है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी इफ़ एनी एंड रिलेशनशिप विथ हिम हर, यहाँ आप नॉमिनी का नाम लिखेंगे, नॉमिनी का एड्रेस लिखेंगे और नॉमिनी का आपसे रिश्ता क्या है वो यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये नवा कॉलम है, नॉमिनी अगर जो 18 साल से छोटा होता है तो यहाँ भरेंगे, 18 साल से नॉमिनी छोटा है तो उसका यहाँ नाम लिखेंगे और 18 साल से ऊपर का नॉमिनी भी यहाँ पर भरेंगे। इसी तरीके से नीचे दोस्तों देखते हैं इसके रूल्स और टर्म्स लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप ये सुरक्षा बीमा योजना में हिस्सा लेते हैं तो आपको सालाना ओनली 12 रुपये भरना रहे है विथ सर्विस टैक्स के साथ में है दोस्तों, ये आप देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें। इसके अलावा कहाँ से शुरू होता है, ये 1 जून से ये शुरू होता है। इसके अलावा देख लिया तो द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से इसका कंसल्ट हुआ। इसके अलावा नीचे उतरते हैं दोस्तों, यहाँ आप डेट लिखेंगे जिस तारीख को आप ये फॉर्म बैंक में सबमिट कर रहे हैं, वो तारीख यहाँ लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर, आप यहाँ अपने सिग्नेचर करेंगे जो पहले आपने बैंक में अकाउंट खोलते समय किए थे दोस्तों। इसके अलावा नीचे देखेंगे दोस्तों एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट आप ये पढ़ लें, यहाँ कोई फिल करना कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, इतना काफ़ी है। आप बैंक में ये सबमिट कर दें और आपका 2 लाख का इंश्योरेंस शुरू हो जाएगा। हाय गाइस, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जैसे कि आपने ये जानकारी ली, अपने दोस्तों को बताओ, अपने रिश्तेदारों को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने नज़दीक में आसपास के लोगों को बताओ, सभी का 2 लाख रुपए का जीवन बीमा करवाओ, सबकी सहायता करो, इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए, मेरी ये उम्मीद है। मेरे से जो भी हेल्प लगेगी आप मुझसे लो,
मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप जो भी लिखेंगे उसका जवाब मैं दूंगा। कोई भी एनी प्रॉब्लम्स के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय दोस्तों।